हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम है दीपाली कौल और मेरे चैनल इमरामा टैरो में आपका स्वागत है। ये एक लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 11th of Jan टू 20th of Jan। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए लव मैसेजेस क्या हैं नेक्स्ट 10 डेज के लिए। 11th to 20th Jan क्या लव मैसेजेस हैं फॉर जेमिनाई। दो एम्प्रेस, सेवन ऑफ वॉन्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, अब देखिए जेमिनी हमारे पास है दो एम्प्रेस। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, मैरिज में हैं, कोई कनेक्शन में हैं, तो अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, तो हो सकते हैं, मे बी चांसेस हैं यहाँ पर। थोड़ा ध्यान रखिएगा अगर आप नहीं होना चाहते हैं प्रेग्नेंट तो, या आपके पार्टनर नहीं होना चाहते हैं। बट मुझे फर्टिलिटी दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत नर्चरिंग वाइब आ रही है आपका। अगर कोई कनेक्शन ऑलरेडी है तो आप ग्रो करते दिख रहे हैं, आपका कनेक्शन और बढ़ रहा है, नर्चर कर रहे हैं आप उस कनेक्शन को, काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं, अबंडेंस दिख रही है मुझे इस कनेक्शन में। तो मुझे एक रिश्ता पनपता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट 10 डेज में यहाँ पे। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी के साथ मिल सकते हैं, किसी से मुलाकात हो सकती है, एंड आपका कनेक्शन जो है वो ग्रेजुअली ग्रो कर सकता है। हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू स्टार्ट हो आपका कनेक्शन, वहां पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है अगर आप ऑफ कोर्स प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हैं तो। बट फिजिकल इंटीमेसी के थ्रू भी स्टार्ट हो सकता है किसी किसी का। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि किसी तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं अगर आप सिंगल हैं या कमिटेड हैं या मैरिज में हैं। बट किसी तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं। कोई कोर्ट केस से डील कर रहा है शायद किसी का, कोई डिवोर्स से डील कर रहा है, सेपरेशन से डील कर रहा है। हर किसी के लिए, ऑफ कोर्स हर जेमिनाई डिवोर्स से डील नहीं कर रहा है, सो डोंट वरी। बट जिसके लिए भी है ये मैसेज, अगर रेजोनेट कर रहा है ठीक है, वरना उस मैसेज को साइड कर दीजिए। बट कई लोगों के लिए डिवोर्स, सेपरेशन, लीगल केसेस हो सकते हैं, किसी तरीके के चैलेंजेस हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रही है आपको कनेक्शन में, या तो कोई कनेक्शन ढूंढने में मुश्किल हो रही है, आप चाहते हैं किसी रिलेशनशिप में आना, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से जाए नेक्स्ट 10 डेज में। बहसबाजी हो सकती है, या फिर ऐसा लग सकता है कि बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है चीजें बनाए रखने के लिए, रिलेशनशिप बनाए रखने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं डालोगे तो सब ढह जाएगा, वैसी फीलिंग आ सकती है नेक्स्ट 10 डेज में। अब देखिए किंग ऑफ कप्स है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स से हमें ये दिखता है कि थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप है, जो आपके इंसान है, आई फील यहाँ पे बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो सकता है दूसरा इंसान जो आपको मिल सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। कनेक्शन आ सकता है आपकी लाइफ में, या अगर ऑलरेडी है, ये इंसान बहुत इमोशनली बैलेंस्ड हो सकता है, बहुत लॉयल हो सकता है, बहुत समझदार हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत चैलेंजिंग फील होगा, क्योंकि आपको इनको मैच करना पड़ेगा जेमिनी। इनका जो इमोशनल बैलेंस है, जो सूझबूझ समझ है, विजडम है, इनकी जो लॉयल्टी ऑनेस्टी है, आई थिंक आप थोड़ा उसको मैच करने की कोशिश करोगे एंड आपको बहुत मुश्किल होगी। लाइक आपको लगेगा कि कैसे करना है, इंसान तो बहुत अच्छा है बट इसको मैच कैसे करूं, तो वैसी फीलिंग भी आ सकती है यहाँ पे। आपकी तरफ से थोड़ी कमी हो सकती है, ठीक है, और उस वजह से चैलेंजेस आ सकते हैं मुझे ऐसा लग रहा है। बट ये इंसान बहुत ही अलग, अगर आप अपने आप को ठीक कर लो तो इसके साथ, इस इंसान के साथ एक परफेक्ट कनेक्शन हो सकता है, परफेक्ट सोलमेट रिलेशनशिप हो सकता है। लव एंड कनेक्शन डेक से यूनिवर्स प्लीज बताइए जेमिनाई के लिए क्या लव मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज। 11th to 20th Jan लव मैसेजेस फॉर जेमिनाई। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। आपके पास और बहुत ऑप्शंस हो सकते हैं जो आपको पसंद करते हैं, जो आप में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ आकर्षित हैं, अट्रैक्टेड हैं आप। बट डिपेंड करता है कि आप कितने ऑप्शंस तक, लाइक ऑप्शंस की तो कभी कोई खत्म नहीं होंगे, ऑप्शंस आते ही चले जाएंगे लाइफ लॉन्ग। तो कब तक एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन से तीसरे ऑप्शन पे कूदता रहेगा इंसान, ठीक है। तो कहीं पे तो आपको
स्टेबल होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा, ठहराव लाना पड़ेगा कि नहीं ठीक है, लाइक मुझे पता है और बहुत अच्छे दिखने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा पैसा कमाने वाले लोग हैं, यू नो लाइक बहुत अच्छी फैमिलीज हैं, सब बहुत जॉब बहुत अच्छी है, वट एवर, बट कहीं पे तो आप रुकोगे, किसी पे तो रुकोगे, कब तक हॉप करते रहोगे? तो ऑप्शंस हैं, बट आई थिंक चैलेंजिंग चीज ये भी हो सकती है कि आपको ऑप्शंस में से चूज करना पड़ रहा है, इमोशनली बैलेंस चूज करें या फिर यू नो लाइक कोई किसी और तरीके का इंसान चूज करें जो आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यूनिवर्स जेमिनाई के लिए That you have options is meaningful, rock on. Oh my God. I think challenging आपके लिए यही चीज होने वाली है कि आपके पास बहुत ही मीनिंगफुल ऑप्शन होंगे एंड आई थिंक आप शायद मीनिंगफुल किसी चीज के लिए नहीं ढूंढ रहे हो अभी एंड आपको लगेगा यार एक इमोशनली बैलेंस्ड है, ये भी सीरियस चाहता है, दूसरा जो कनेक्शन है वो भी बहुत मीनिंगफुल है, तो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा मे बी नेक्स्ट 10 डेज में ये चीज देखना कि किसी के संग सीरियस रिलेशनशिप में जाना भी है या नहीं जाना है, और अगर जाना है तो किसके साथ जाना है। ठीक है, इफ दे वंस लव्ड यू दे स्टिल डू, हो सकता है कोई पुराना इंसान वापस आए और वो आपको बोले कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूं। ऑफ कोर्स हर किसी के लिए सही नहीं होगा मैसेज, कुछ कुछ के लिए, बट किसी के लिए, कई जेमिनाई के लिए कोई पुराना इंसान वापस आ सकता है और वो आपको बोल सकता है कि मैं अभी भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड हूं, अभी भी आपसे प्यार करता हूं, क्या हम वापस आ सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब हम देखते हैं हर एक जोडियक साइन क्या फील करता है जेमिनाई के लिए। यूनिवर्स एरीज क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, एरीज की क्या करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, देखिए एरीज जो है मुझे ऐसा लग रहा है इनकी तरफ से ना बहुत टफ लव मिलने वाला है आपको, ओवर प्रोटेक्टिव होने वाले हैं ये, थोड़ा मीनिंगफुल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं या आपको ये बोल सकते हैं कि नहीं तुमने ये चीज ठीक नहीं करी, मुझे अच्छी नहीं लगी, तुमने बहुत ही बकवास परफॉर्म करा। क्यों? क्योंकि वो आपको, वो चाहते हैं कि आप इम्प्रूव करो। ठीक है, तो इनकी तरफ से आपको थोड़ा टफ लव होता है ना, खाना क्यों नहीं खाया, कपड़े क्यों नहीं ठीक से पहने, ढंग से रहो, समथिंग जैसे एक माँ का टफ लव होता है बेसिकली वैसा, तो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं ये आपको लेकर। टॉरस की क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं, करंट इंटेंशंस हैं टूवर्ड्स जेमिनाई। जस्टिस, देखिए टॉरस ना थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। इनका थोड़ा जो परसेप्शन है, सोचने का नजरिया बहुत वन ट्रैक है। ठीक है, ये अपने तरीके से ही सोचते हैं, इनको लगता है जो इनका सोचने का तरीका है, थॉट प्रोसेस, ओपिनियन है, वही सही है। तो नेक्स्ट 10 डेज में थोड़ा ये मॉडरेटली सोचने की कोशिश करेंगे कि अगर आप कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ चाह रहे हैं तो वो क्यों है, वेयर एग्जैक्टली आर यू कमिंग फ्रॉम, तो वो आपके नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज में। जेमिनाई क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, जेमिनाई की क्या इंटेंशंस हो सकती हैं जेमिनाई के लिए। एस ऑफ सोर्स जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, देखिए अगर आप किसी जेमिनाई को डेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप, मैरिज, कनेक्शन, वट एवर, और वो जेमिनाई है तो ये उनके लिए सही बैठता है। यहाँ पे देखिए यूनिवर्स बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान को हो सकता है पहले कंफ्यूजन थी, क्लैरिटी नहीं थी कि आपके साथ रहना है नहीं रहना है, क्या करना है लाइफ में, जॉब पे ध्यान देना है, कनेक्शन, रिलेशनशिप, मैरिज। नेक्स्ट 10 डेज में इनको क्लैरिटी आ रही है, चाहे वो आपको लेकर है, काम को लेकर है, बट आई थिंक आपको लेकर इनको बहुत ज्यादा मेंटल क्लैरिटी आ रही है कि आप ही हैं वो इंसान। ठीक है, कोई नए प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, ये पैसे पे ध्यान दे रहे हैं, जीत रहे हैं, किसी तरीके का सच भी बोल सकते हैं ये आपको। ठीक है, हो सकता है अपने कंफ्यूजन के बारे में आपसे बोलें कि अच्छा यार मैं बहुत कंफ्यूज था पहले बट अब मैं बहुत क्लियर हूं। ठीक है, तो हो सकता है सच बोलें ये। कैंसर क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, कैंसर की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई। स्ट्रेंथ, देखिए कैंसर ना थोड़ा सा पेशेंटली डील कर रहे हैं अभी इस टाइम पे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, वो थोड़े रुके हुए हैं, बहुत हिम्मत से काम ले रहे हैं अभी इस टाइम पे। या तो आपका और उनका कनेक्शन में कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे कोई चीज हुई है उस वजह से, या फिर आप उनको शायद वेट करा रहे हैं, बट मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, बहुत हिम्मत दिख रही है, पेशेंस दिख रही है,
और मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने कंट्रोल करा हुआ है अपने आप को कि ठीक है जेमिनाई को टाइम लेने देते हैं, जेमिनाई को टाइम चाहिए टाइम देते हैं टाइम, तो बहुत कंट्रोल करके वो बैठे हुए हैं इस टाइम पे। लियो की क्या एनर्जीज हैं, क्या फील करते हैं लियो, करंट इंटेंशंस लियो की टुवर्ड्स जेमिनाई? दो हाई प्रीस्टेस, बहुत ही प्यारा कार्ड है ये। देखिए लियो जो है ना, मुझे ऐसा लग रहा है ये काफी इंट्यूटिव हो रहे हैं, इनके ड्रीम्स के थ्रू इनको थोड़ी सी इंट्यूशन या मैसेजेस मिल रहे हैं कि इनको आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अभी इनको कुछ सीक्रेट्स भी रिवील हो सकते हैं, आपको लेकर सीक्रेट्स, या फिर मुझे लग रहा है कि आपके कोई सीक्रेट्स इनको रिवील हो सकते हैं। एंड आई थिंक इनको पता भी है, इनको पहले से पता है क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव है, इनको सपने आ चुके हैं उस चीज के। वर्गो क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, वर्गो की क्या इंटेंशन है टुवर्ड्स जेमिनाई? पेज ऑफ सोल्स, देखिए वर्गो ना इस टाइम पे सबसे आपके बारे में पूछ रहे हैं कि जेमिनाई को देखा, जेमिनाई जिम आया था, जेमिनाई मुझे पसंद करता है, जेमिनाई को मैं पसंद करती हूँ, उसने कुछ मेरे बारे में बोला क्या, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट आई थिंक ये लोगों से आपके बारे में पूछ रहे हैं, और अगर आप लोग मैरिज में हैं तो ये आपके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं, घर में जो भी आप लोगों के होता है वो डिस्कशन चल रहा है बाहर। क्यूरियोसिटी दिख रही है मुझे, गॉसिप दिख रही है मुझे, ठीक है, बहुत ज्यादा। लिब्रा की क्या एनर्जीज हैं, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? लिब्रा की क्या करंट इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? थ्री ऑफ सोर्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, लिब्रा की एनर्जी है ये, आपकी भी एनर्जी हो सकती है। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स बता रहे हैं कि लिब्रा का ना हार्ट ब्रेक हुआ है अभी इस टाइम पे, उनका दिल टूटा है, वो बहुत हर्ट है, पेन में है इस टाइम पे, या तो उनका कोई कनेक्शन टूटा है, कोई मैरिज रिलेशन चल रहा है उनका, एंड उस वजह से आई थिंक वो आप पे कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर पाएंगे, या फिर उनका कोई, या फिर उनका आपसे कोई सेपरेशन या डिवोर्स चल रहा है, इस वजह से वो बहुत हर्ट हैं, वैसी फीलिंग हो सकती है। स्कॉर्पियो क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, स्कॉर्पियो की क्या करंट इंटेंशंस एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? फोर ऑफ वॉन्ड्स, स्कॉर्पियो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रिलेशनशिप, एक परमानेंट चीज होती है ना, जो भी आपके परमानेंट की डेफिनेशन है देखिए, बट मैरिज, ठीक है, यहां पे मुझे मैरिज दिख रहा है। स्कॉर्पियो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं। सैजिटेरियस क्या चाहते हैं जेमिनाई से, सैजिटेरियस की क्या करंट एनर्जीज इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? किंग ऑफ कॉइन्स, देखिए ओके सैजिटेरियस जो है, मुझे ऐसा लग रहा है इनके साथ ना आपको काफी सिक्योरिटी मिल सकती है, ये काफी पैसे वाले हो सकते हैं, काफी अच्छी पोजीशन पे हो सकते हैं, इनके साथ आपको सिक्योरिटी, पावर, कंट्रोल, काफी ये सारी चीजें मिल सकती हैं, तो आपका जो फाइनेंशियली आप बहुत बहुत सेटिस्फाइड होगे अगर आप इनके साथ होगे, फाइनेंशियली भी, मेंटली, इमोशनली भी। आई फील कैप्रिकॉर्न क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, कैप्रिकॉर्न की क्या करंट इंटेंशंस हैं, एनर्जीज हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? दो सन, देखिए कैप्रिकॉर्न आपको बहुत सेटिस्फाइड रखेंगे, बहुत फुलफिल रखेंगे, उनके साथ आप बहुत खुश रहोगे, तबीयतें ठीक रहेंगी, हेल्थ अच्छी रहेगी, घूमना फिरना ट्रैवल होता रहेगा, तो कैप्रिकॉर्न के साथ तो बहुत अच्छी चीज है, और ये आपको पसंद भी करते हैं, ठीक है, पसंद भी करते हैं और बहुत चाहते हैं वो भी आपके साथ बहुत सेटिस्फाइड और फुलफिल रहते हैं। एक्वेरियस क्या चाहते हैं जेमिनाई से, एक्वेरियस की क्या इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई? देखिए एक्वेरियस जो है ना, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, इनकी एनर्जी है ये, काफी मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको थोड़ा आपके संग एंग्जाइटी होती है, अभी ये एंग्जाइटी में है, इनको थोड़े सपने बुरे आ रहे हैं, नाइटमेयर्स आ रहे हैं, इनको नींद नहीं आ रही है, थोड़ी सी इनकी तबीयत खराब लग रही है मुझे इस टाइम पे, तो आई एम नॉट श्योर कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बट ये थोड़ा सा एंग्शियस है अभी इस टाइम पे, तो मुझे आते दिख तो नहीं रहे हैं। पाइसिस क्या फील करते हैं जेमिनाई के लिए, पाइसिस की क्या करंट एनर्जीज हैं, इंटेंशंस हैं टुवर्ड्स जेमिनाई?
टू ऑफ सोर्ड्स, देखिए पाइसेस जो है ना इस टाइम पे बहुत कंफ्यूज्ड है, या तो इनके पास ऑप्शंस हैं, कोई और भी ऑप्शन है आपके अलावा, और इनको नहीं समझ में आ रहा कि किस ऑप्शन के साथ ये आगे बढ़े, आपको चूज करें या उनको चूज करें, कंफ्यूजन है, या तो ये आपको कुछ बोलना चाहते हैं, थोड़े ब्लॉक्ड इमोशंस दिख रहे हैं, कुछ बोलना चाहते हैं बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये थोड़े से इनडिसाइसिव हो रहे हैं इस चीज को लेकर कि आपके पास आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, बट इनडिसाइसिवनेस है, ऑप्शंस है, कंफ्यूजन है, डिलेमा है, ब्लॉक्ड इमोशंस है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हाँ आई थिंक मैंने सारे कार्ड्स कवर कर लिए, यस। सो मोर और लेस जेमिनी मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स को लेकर लव मैसेजेस के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो प्लीज लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी इमरामा फैमिली का। थैंक यू, बाय।